तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने लिए एक डीमर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा रहे, और कितने एम्पियर का हमें लेना चाहिए या फिर कितने एम्पियर का नहीं लेना चाहिए, और हमारा स्टेबलाइजर कितने किलोवाट का कितने एम्पियर पर चेक होगा या नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। और आपको खुद से पता चल जाएगा दोस्तों कि अब हम अपने लिए कौन सा डीमर सेलेक्ट करें, कि खुद से दोस्तों बात ये कि यहाँ पर ये आती है कि हम खुद से, मतलब कि खुद से अगर हमारे अंदर एक्सपीरियंस होगा और हम खुद से अगर सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों उसकी खुशी अलग होती है, क्योंकि हमें लगता है हमने खुद से सेलेक्ट किया है कि यह चीज़ हमारे लिए ठीक है, एकदम वेरी गुड है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, मैं आपको एक ही चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि हमें एक अपने लिए डीमर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं शुरुआत में कि हम देखते हैं कि या तो फिर हम किसी से पूछते हैं कि हमें कितने एम्पियर का डीमर लेना चाहिए, या फिर हमें कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हम 4 एम्पियर का देखा था, और वहाँ पर हमने 10 एम्पियर का देखा था, और वहाँ पर हमने 2 एम्पियर का देखा था। तो हम उसमें से ये सोचेंगे चलो 10 एम्पियर का ठीक है, हम 10 एम्पियर का ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों, अब उसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है कि 10 एम्पियर का चलो हमने ले लिया, ठीक है, मान लिया कि हमने ले लिया 10 एम्पियर का। तो वो अब 10 एम्पियर का तो मतलब तो हमें पता ही नहीं कि हम 10 एम्पियर का हमारे लिए ठीक है, या फिर 4 एम्पियर का ठीक है, या फिर 2 एम्पियर का ठीक है। और हमें भी लगेगा कि पता नहीं है हमारे लिए ठीक है या नहीं है, फिर भी हमने ले लिया उसको। तो दोस्तों यहाँ पर मज़े वाली बात तो ये है कि अगर हमें खुद से पता रहेगा कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा तो उसकी बात दोस्तों अलग है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहीं पर ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि डीमर अगर लेना है हमें तो हम 2 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 4 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 6 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 8 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 10 एम्पियर का भी ले सकते हैं, ठीक है। पर अब मेन चीज़ क्या होती है कि इन एम्पियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इन एम्पियर का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे कि 2 एम्पियर का डीमर है, ठीक है, तो वो 2 एम्पियर का डीमर 1 एम्पियर में कितना वाटेज होता है। अगर हम ओरिजिनल अगर वाटेज लेते हैं तो 184 वाट होते हैं, 1 एम्पियर में 184 वाट होते हैं ओरिजिनल, ठीक है। अगर जैसे कि हम मार्केट के हिसाब से लोकल अगर लेते हैं तो हम 200 या 230 वाटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलिए हम 200 वाट के हिसाब से 1 एम्पियर मानते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर 2 एम्पियर का है तो यानी कि 400 वाट का हो गया, ठीक है, डीमर हमारा। अगर 4 एम्पियर का है तो फिर 800 वाट का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम एम्पियर का वाटेज देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 10 एम्पियर का लेना है फिर उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितने वाटेज का हो रहा है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि चलो मान लिया कि हमें 400 वाट का चाहिए या फिर 10,000 वाट का चाहिए, कितने वाट का चाहिए, ठीक है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि दोस्तों हमें स्टेबलाइजर की टेस्टिंग करना है, ठीक है, स्टेबलाइजर की टेस्टिंग करना है, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम उस पर बहुत ज़्यादा कुछ और भी चलाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम अपना स्टेबलाइजर की ही टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेबलाइजर मान लीजिए 5 KVA, 10 KVA, 15 KVA, 1 KVA, 2 KVA, 2.5 KVA, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। तो हम इन स्टेबलाइजर को टेस्ट करने के लिए, मतलब कि इनकी टेस्टिंग को करने के लिए हम एक डीमर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डीमर से क्या होता है कि हमारा स्टेबलाइजर अच्छे से सेट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तुम अच्छे से वोल्टेज, हम अपने इनपुट में वोल्टेज देकर हम अपना आउटपुट का वोल्टेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लिया कि हमारा 5 KVA का चेक करना है, या फिर 10 KVA का चेक करना है, या फिर 15 KVA का चेक करना है, तो अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, अब हमारे लिए इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर हमें कौन सा लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर करूँ, पहले सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो आपको बताई कि वाटेज जो होते हैं हमारे, मतलब कि अगर हम 2 एम्पियर का लेते हैं तो 400 वाट हो गया है, ठीक है। अगर हम 4 एम्पियर का लेते हैं तो 800 वाट हो गया है, ठीक है। अब मान लिया दोस्तों कि हमें 5 KVA का चेक करना है, ठीक है, 5 KVA का स्टेबलाइजर को हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से दोस्तों सुनना बात को, बहुत पॉइंटेड बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें 5 KVA का चेक करना है, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 5 KVA का अगर हम चेक कर रहे हैं अपना स्टेबलाइजर, तो 5 KVA का मतलब ये थोड़ी ना कि 5000 वाट का वो लोड लेगा, मतलब कि वो 5000 वाट का लोड तो लेगा नहीं। लोड वो कब लेगा? लोड जब लेगा जब हम आउटपुट में उसके ऊपर लोड डालेंगे, मतलब कि स्टेबलाइजर से अगर हम कोई चीज़ अगर चलाते हैं, ठीक है, तब वो स्टेबलाइजर लोड लेगा, ठीक है। अगर वो खाली हमारा रखा है तो थोड़ी ना लोड लेगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी वो नहीं लेगा लोड। अगर लेगा तो कितना ले लेगा, 200 250 300 400 वाट ले लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने वाला दोस्तों, क्योंकि वो खाली है हमारा स्टेबलाइजर, वो केवल खाली है, क्योंकि उस पर कोई लोड देकर हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम केवल ओनली सिर्फ खाली चेक कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हमारे लिए 4 एम्पेयर का डीमर फिट, ठीक है, 4 एम्पेयर का डीमर हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हमें लोड डाल कर थोड़ी ना चेक करना है दोस्तों, हमें तो केवल ओनली स्टेबलाइजर अपना खाली टेस्टिंग करने के लिए हमें देखना है, बस टेस्ट करना है, उसका चेक करना है। तो हम 5 KVA का भी चेक कर सकते हैं 4 एम्पेयर के डीमर से, 10 KVA का भी चेक कर सकते हैं, 15 KVA का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना दोस्तों कि हमारा स्टेबलाइजर पर लोड नहीं है तो डीमर हमारा बिल्कुल भी उसमें ख़राब नहीं हो सकता। अब दोस्तों डीमर ख़राब होगा कब, ये भी बता दूं पहले मैं यहाँ पर दोस्तों, क्लियर कर दूं, डीमर होगा कब ख़राब आपका? डीमर जब ख़राब होगा आपका दोस्तों, जब आपके स्टेबलाइजर में कोई शॉर्ट सर्किट होगी। अगर आपके स्टेबलाइजर में कोई शॉर्ट सर्किट है और आपने डीमर से वोल्टेज दे दी उसको ज़्यादा, तो हमारा डीमर जो है चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए कि स्टेबलाइजर में अगर हमारे शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कुछ भी है, ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारा डीमर भी सेफ रहे और हमें पता भी चल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 500 वाट की सीरीज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। 500 वाट की सीरीज पर अगर हम अपने डीमर को लगाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों डीमर हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी कभी भी ख़राब ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं ख़राब होगा? क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगी हमारा, अगर कुछ भी हमारा स्टेबलाइजर के अंदर शॉर्ट होता है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, तो हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा, 500 वाट का सीरीज हमारा ग्लो हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा यानी कि स्टेबलाइजर में कोई शॉर्टिंग है, ठीक है, तो हमारा डीमर सेफ रहेगा। और ऐसे अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो डीमर के ऊपर हमारे लोड पड़ेगा और वो आवाज़ करेगा बहुत ज़्यादा डीमर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेफ्टी के लिए हम अपने डीमर को 500 वाट की सीरीज लैंप पर चला सकते हैं। अब 500 वाट का सीरीज बोर्ड अगर आपको बनाना है तो दोस्तों मैंने वीडियो बहुत पहले डाल भी रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अब क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि अब हमें कौन सा ऐसा डीमर लेना चाहिए कि जो हमारे लिए बेस्ट रहे, अब दोस्तों खुद से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं अगर आपसे कहूँगा तो 4 एम्पेयर का ठीक है, क्योंकि मैं 4 एम्पेयर का ही यूज करता हूँ, और मैं अभी तक जो भी यूज करा मैंने 4 एम्पेयर का ही यूज किया दोस्तों, अभी तक मैं नहीं तो मैंने 10 एम्पेयर का यूज किया और नहीं तो 2 एम्पेयर का, मैं 4 एम्पेयर का ही यूज कर रहा हूँ अभी तक, और अभी भी मेरा अच्छा ही चल रहा है डीमर, अभी तक कोई उसमें ऐसी शिकायत नहीं देखने को मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने उसके पीछे काफ़ी सारी सेफ्टी कर रखी है, 500 वाट की सीरीज पर चलाता हूँ मैं उसको, ठीक है, डायरेक्ट कभी चलाया नहीं मैंने उसको, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से अगर चलाएंगे तो 4 एम्पेयर का डीमर आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है, आप अपने स्टेबलाइजर को आराम से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, और आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो फिर दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखे आओ।